यहाँ पर जो है आचार्य सुरजीत जी आपको मिलेंगे। आप जब भी आए तो ये ऑफिस के अंदर का मैं बता रहा हूँ आपको, तो यहाँ पर आप जो है विराजते हैं। तो भैया ये बताइए कि जैसे यहाँ हवन यज्ञ कराने का क्या महत्व है उसके बारे में। जैसे अन्य स्थानों पर जाते हैं लोग तो वहाँ पर दर्शन मात्र होता, लेकिन यहाँ पर एक विशेष रूप से पूरे संसार में ये चीज है, पूरे विश्व में ये चीज हो रही है कि यहाँ आकर लोग जो है हवन यज्ञ करवाते, इसके क्या हुआ है? बगलामुखी जो है, बगलामुखी तांत्रोक्त हमारी जो है 10 महाविद्याओं में से अष्टम महाविद्या है। इसको अष्टम महाविद्या के नाम से भी जाना जाता है माँ बगलामुखी। तो सबसे बड़ी बात यह है कि माता रानी का जो है, हर भवन को अपना अपना डिपार्टमेंट दिया गया है। तो माता रानी को जो डिपार्टमेंट दिया गया है वो दिया गया है बगलामुखी को शत्रु बाधा निवारण। तो कई लोग जो है अपना शत्रु बाधा निवारण के लिए, जैसे मतलब कि हमारे शरीर में कोई रोग दोष है उसकी विनाश के लिए, क्योंकि वो रोग दोष जो है वो हमारे एक प्रकार से वो हमारे शरीर का एक शत्रु है, उसके निवारण के लिए कई तरह के शत्रु हैं। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष भागवत गीता में बोला भी गया है कि कोई इस संसार में ना तो कोई हमारा मित्र है ना कोई शत्रु है, केवल स्वभाव के कारण मित्र और शत्रु। तो स्वभाव के कारण कई प्रकार से मित्र शत्रुता हो जाती है। तो उसके कारण महामाई के दरबार में कई नेता लोग अपने जब राजनीतिक क्षेत्र में विजय श्री प्राप्ति के लिए, तो उसके लिए जब आते हैं तो यज्ञ अनुष्ठान के द्वारा विजय श्री कामना प्राप्ति करते हैं। कई राजनेता लोग भी आते हैं, तो कई तरह के यहाँ पे हर देश के विदेशों से भी लोग आते हैं यहाँ महामाई का आशीर्वाद प्राप्ति के लिए। तो जो भी भक्त मन से माता रानी की पूजा अर्चना करते हैं तो हमेशा ही माँ उसकी जो है मनोकामना पूर्ति करती है। माँ का बगलामुखी नाम भी इसलिए पड़ा है क्योंकि हमेशा ही अगल बगल जो भी माता रानी की पूजा या आराधना करता है तो माँ हमेशा ही उसके अगल बगल में रहती है, मतलब हमेशा ही उसके आसपास में रहती है, इसलिए माँ का नाम बगलामुखी भी पड़ा है। शास्त्रों का कहना है तो माँ का जो यज्ञ अनुष्ठान जो भी भक्त लोग करते हैं तो उसको हमेशा ही उसकी कामना पूर्ति होती है। तो ऐसे भक्तजनों से या फिर जो भी भक्त लोग हैं उनसे यही प्रार्थना विनती करता हूँ कि माँ भगवती के चरणों में आए जरूर और माता रानी का आशीर्वाद प्रदान करें। आज माँ भगवती के चरणों में हमारे साथ हमारे मित्र यज्ञदत्त शास्त्री जी आए हैं, तो इस सूचना को बताने के लिए मैं उनका भी आभारी हूँ कि वो भी इस स्थान को जागरूक करें और हमारे साथ जो हैं हमेशा ही सनातन धर्म को विजय की ओर लेके जाए। इनसे प्रार्थना विनती करता हूँ कि माँ भगवती का आशीर्वाद इनके ऊपर भी अनुकंपा बनी रहे और सब शत्रुओं का विनाश हो। जय माँ भगवती। जय माता दी।